नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, अपराजिता या ब्लू पी या बटरफ्लाई पी, इस तरह के देखिए पौधे, ये देखिए कितने फूल आते हैं। ये डबल वेराइटी के फूल है। ये देखिए एक एक टहनी में कितनी कितने सारे फूल आ रहे हैं। और लोग अक्सर कहते हैं कि उनके फूल नहीं आते, तो मैं आपको जब बताता हूँ कि फूल कैसे आएंगे आपको। या फिर कहते हैं लोग कि फूल आते हैं लेकिन फूल छोटे साइज़ के आ रहे हैं, या फिर सर्दियों में पौधे मर जाते हैं तो आपको कैसे बचाना है, सारा तरीका मैं बताता हूँ। और लोग कहते हैं कि हम लोग इसको फूल पूजा में चढ़ाते हैं, तो आप ऐसे तरीका बताइए कि 100% ऑर्गेनिक हो। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 100% ऑर्गेनिक मेथड सारे प्रॉब्लम में अपराजिता या फिर ब्लू पी, जिसको हम विष्णुकांता कहते हैं, इसके जो प्रॉब्लम है ये मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये बैगनिया फूल है, ये सफ़ेद वाला है, ये देखिए ये वाइट कलर में है, बेगोनिया और सफ़ेद के बीच में कलर में है। और एक वैरायटी आती है पिंक कलर की, वो भी आप ले सकते हैं, नर्सरी से मिल जाती है लेकिन वो कम मिलती है। लेकिन ये बेगोनिया और सफ़ेद कलर, ये दो ज़्यादा मिलती है। बेगोनिया कलर जो है इसको हम कहते हैं कृष्णकांता, और जो सफ़ेद कलर है इसको कहते हैं विष्णुकांता। ये विष्णु भगवान, भगवान शिव को बहुत प्यारी है, दुर्गा माई को भी बहुत प्यारा है ये फूल। बहुत सारे इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, इसके रूट से लेकर शुरू करके इसके बीज जो है, पत्ते जो है, सारे हर्बल इंपॉर्टेंस है, इसमें हर्बल मेडिसिन बनती है। लेकिन आज मैं बताऊँगा, अगर आपके यहाँ फूल नहीं आ रहे हैं या फिर छोटे फूल आ रहे हैं, तो आपको पहले ध्यान देना है इसके मिट्टी की तरफ। ये मिट्टी में देखिए, मिट्टी में अक्सर अच्छी तरह से खाद होना चाहिए, या तो ये जो है रूट बाउंड हो गई है या मिट्टी में खाद नहीं है। तो आपको खाद क्या डाले, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मिट्टी में खाद डालने के पहले इसको गुड़ाई कर लें, गुड़ाई ज़्यादा नहीं करें, थोड़ी सी हल्की मात्रा में करें, आधी इंच करें गुड़ाई करें, क्योंकि इसकी जो रूट है ऊपर आ जाएगी तो रूट कट सकती है। रूट कटेगी तो आप इसमें क्या होगा, इसमें रूट कटने से इसको सॉफ्ट में चला जा सकता है पौधे। इस तरह से हम गुड़ाई कर लेंगे पहले। और ये खाद अगर देते हैं आप, खाद में मैं अब आप बताता हूँ, सबसे अच्छी होती है कि 2 साल पुरानी आपकी गाय की गोबर की खाद हो, अच्छी तरह से डिकॉम्पोस्ट हो, वो अच्छी रहती है। या फिर आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन वर्मी कॉम्पोस्ट की पहचान ये कि अच्छी क्वालिटी की वर्मी कॉम्पोस्ट हो गई थी, ये दानादार हो गई, चाय पत्ते के दाने की जैसे दिखती है ये वर्मी कॉम्पोस्ट। ये देखिए बेस्ट क्वालिटी का वर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए, और उसमें अगर एक बार आप प्रयोग करें महीने में एक बार, तो आप इस तरह से देखिए एक एक मुट्ठी आप प्रयोग कर लें इसमें। और जब भी आप खाद का प्रयोग करें तो इसमें पानी जरूर डालें। लोग अक्सर क्या करते हैं, खाद डाल देते लेकिन पानी डालना भूल जाते हैं, पानी डालना आवश्यक है। और इसमें अगर चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि एक बार हम खाद डाल दें उसके बाद 2-4-6 महीना हम नहीं डालेंगे, तो इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के जो ग्रैनुल्स है, ये अमाइनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड और एनपीके, ऑर्गेनिक एनपीके, इस तरह के जो है, इस तरह के, ये देखिए ये इस तरह के आते हैं, ये कॉम्पोनेंट में दिख रहा हूँ, इस तरह के ग्रैनुल्स मिलते हैं बहुत सारे नाम में, बहुत सारे ब्रांड में आते हैं। ये ह्यूमिन गोल्ड नाम है या फिर अलग अलग नाम है। इसमें आप देखिए ये दानादार आते हैं, ये कॉम्पैक्ट फर्टिलाइजर होता है 100% ऑर्गेनिक। ये देखिए छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, और ये आप मिला देंगे कोई भी इसमें खाद में, जब भी आप कोई भी खाद ले, वर्मी कंपोस्ट ले, काउडंग कंपोस्ट ले, इस तरह से, यानी कि आप एक एक गमले में अगर दो दो मुट्ठी आप डाल रहे हैं, तो उसमें 8-10 दाने के या 15 दाने आप इस तरह के ये डाल दिए। ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, इसको मिक्सर कर लीजिए। इसको मिक्सर करने के बाद आप ये एक एक पौधे में डाल दीजिए। ये देखिए मैं इसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद गुड़ाई कर लीजिए, इसको हल्की सी गुड़ाई करने के बाद इसके गुड़ाई कर ले। और ये ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड के ये जो दाने हैं, ये हाईली पैक्ड न्यूट्रिएंट है, 100% ऑर्गेनिक है। और इसमें पानी डालना मत भूले, पानी डाल दें। और इस तरह का अगर खाद मिला देंगे तो आपको 6 महीने तक कोई खाद नहीं देने की। और सिर्फ अगर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डालते हैं, तो महीने में एक बार आपको 1-2 मुट्ठी आपको डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना करिए। अब बताता हूँ, इसमें अगर फूल नहीं आ रहे तो आप यह क्या करिए, इसमें बायोविटा नाम का या फिर कोई भी ब्रांड का सीवीड एक्स्ट्रैक्ट आता है, इसका आप 2 या 3 ml 1 लीटर पानी में लेके इसको आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर इसको मिट्टी में डाल दीजिए। आप 15 दिन में एक बार करेंगे तो गारंटी है आपको फूल आएंगे ही आएंगे, भर भर के फूल आएंगे। ये तो पौधा है, इसमें कल मैंने 7-8 फूल तोड़ लिया है, आज यहाँ पर फूल आए, इसमें भी 5-6 फूल मैंने तोड़ लिया था, लेकिन हर दिन आपको फूल आएंगे। और अगर आप कहते हैं कि आपको फंगस की प्रॉब्लम है, तो आप ऑर्गेनिक एक फंगस कंट्रोल की बताते हो, ये थंडर्स नाम की है, लिविक्स एग्रोकेमिकल्स की। ये देखिए थंडर्स नाम की है, ये 3 ग्राम पर लीटर में लेके आप पूरे पौधे में स्प्रे कर दे या फिर मिट्टी में स्प्रे कर दे, तो ये 100% ऑर्गेनिक है। और ये लिविक्स एग्रोकेमिकल बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको कोई भी फंगस से ये पौधा कम से कम मरेगा नहीं। कभी तो क्या है, पाउडरी मिल लू या फिर इस तरह का जो है रस्ट में ये पौधा खराब हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप प्रयोग कर लेंगे 100% ऑर्गेनिक है, तब आपका पौधा मरेगा नहीं। अब बात है कि इंसेक्टिसाइड अगर देना है तो क्या देना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे अच्छा है ये कटप्पा, ये कटप्पा जो है ये आपका ये लौंग का जो एक्स्ट्रैक्ट है, लौंग का एक्स्ट्रैक्ट का बनता है, इसका जो कलर है ये देखिए ब्राउन कलर का है, ये लिक्विड ये ले ले 3 ml/L में, 1 लीटर पानी में 3 ml डाल के ये कटप्पा डाल ले। ये देखिए
और ये थोड़ा गाढ़ा है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से सेक कर लें आप। सेक करने के बाद आप इसको स्प्रे करें। ये आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दें तो आपका जो भी है इंसेक्ट्स का जो भी प्रॉब्लम है, इंसेक्ट्स वैसे अटैक करता नहीं है, बहुत कम अटैक करता है। इस तरह का देखिए हल्का ब्राउनिश कलर का ये स्प्रे कर दीजिए। और मैं बताता हूँ ये जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक जो भी बता रहा हूँ, ये सारे आप सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी घरेलू चीज़ है, घरेलू पौधे है या सब्जी है, उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। वो अगर नहीं है आपके पास ज़्यादा इंसेक्ट का है तो काका नाम का एक इंसेक्टिसाइड आता है, ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी है, इसमें काफ़ी सारे फूल भी आते हैं ज़्यादा, तो ये आप 2 ml पर लीटर लेकर भी स्प्रे कर सकते हो। और एक बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है तो नीम का एक्सट्रैक्ट का बहुत सारे पेस्टिसाइड आजकल बाजार में आते हैं। नीम ऑयल में क्या होता है, उसमें सोप मिलाना पड़ता है, मिलाने का झंझट है, स्प्रे करने का झंझट है, लेकिन ये नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट का कुछ पेस्टिसाइड आता है, ये 2 ml पर लीटर लेकर आप स्प्रे कर देंगे, ये वाटर में अच्छी तरह से डिजॉल्व भी हो जाते हैं, अच्छी तरह से स्प्रे हो जाते हैं, 15 दिन में एक बार आप प्रयोग कर लें। अब बात आती है कि सर्दियों में पौधे मर जाते हैं तो क्या करना है, आपको 2-3 बात बताता हूँ। ये जो पौधे, ये एक भी सर्दी में पौधे मरेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है सर्दी में। सर्दी में क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे कोहरा गिरता है, कोहरा जो है ये ब्लू पी या बटरफ्लाई पी जो अपराजिता है ये कोहरा को बर्दाश्त नहीं करता, तो या पत्ते जो है सूख जाते हैं, टहनियाँ सूख जाती है। आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इसको कोई पॉलीथीन से ढक दे, ऊपर कवर कर दे या फिर कोई शेड के नीचे ला दे ताकि इसमें कोहरा नहीं पड़े। और अगर देख रहे हैं आपको यहाँ पर फली आ रही है, देखिए बहुत सारी फली यहाँ पर आ रही है, आपको फली इसमें जब भी ज़्यादा फली आ जाएगी पौधे में, जब फलियाँ बढ़ जाएगी तब पौधे की, ये देखिए ये कितनी सारी फलियाँ आ रही है। बहुत लोग कहते हैं कि डबल में पेटल में फलियाँ आती कि नहीं आती, ज़रूर आती है, जो भी आपके सफ़ेद हो या फिर वायलेट कलर को, हर जो डबल पेटल है सारे में ये जो फलियाँ आती है, इसमें बीज होते हैं और इसी बीज से उगाए जाते हैं। नर्सरी में जो होता है, जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं लोग, सारे बीज से उगाते हैं, कटिंग से बहुत कम ही नर्सरी में प्रोपगेशन होता है। तो ये भर भर के आएंगे, अभी तो ये टाइम नहीं हुआ, लेकिन इसमें भर के बीज आ जाएंगे। जब भी ज़्यादा बीज का पौधा आ जाता है तो पौधे को लगता है कि उसका काम खत्म हो गया ज़िंदगी का, तो वो क्या पौधा सूखने लगता है, मरने लगता है। तो आपको बेहतर ये है कि आप जब भी इस तरह का सीड पौधा है तो चूट चूट के इसको बाहर निकाल के फेंक दें आपको, तब क्या होगा आपका जो पौधा है ये ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। और अगर देख रहे हैं कि ज़्यादा ही सर्दियों में सूखने वाला है तो आपको एक काम बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है ये, आप क्या करें आपको बॉन्साई भी बना सकते हैं। आप इस तरह की जो भी टहनियाँ हैं जो लंबी हो रही है आप इसको काट के छोटा कर दें, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे कर दे, इससे क्या होगा आपके ये जो पौधा है ये बूसी बन जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं इसी तरीके से आपको बूसी बनाते रहते हैं, और जब भी ये पौधा बूसी होगा तो सर्दी के सीजन में आपको मरेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए अभी तो कलियां है, इसको मैं काटूंगा नहीं, लेकिन जिसमें भी कलियां नहीं है तो इसको पौधे को थोड़ा थोड़ा छांट दे, इससे क्या होगा पौधे बूसी भी हो जाएगा और इसमें पौधा सर्दी में मरेगा नहीं। तो ये सर्दी का सीजन का इस तरह से कंट्रोल कर ले। तो ये जो 3-4 तरीका मैंने बताया आपको, इस तरह से अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया या ब्लू पी या अपराजिता का पौधा, ये आपको सालों साल चलेगा, कम से कम 4-5 साल तक तो ये टिका रहेगा आपका ब्लू पी या बटरफ्लाई पी। इतना सा तरीका आप फॉलो करिए, आपको 100% गारंटी है कि आपके पौधे में बहुत बहुत फूल भी आएंगे, कभी फूल मुरझाएंगे नहीं, फूल छोटे भी नहीं होंगे, पौधे भी खराब नहीं होंगे। तो इतना आप फॉलो करिए, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।